पायसा, अरे रहने दे, दिन भर काम करती रहती है, सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है ना। ये ले दूध पी ले। अरे ले, अरे पी ले, पी। यमुना के लिए झुमके लिए हैं, अच्छे हैं ना? बेटी कहा है तूने उसे, तो साधारण सी साड़ी तो नहीं दे सकते ना? क्या सोच रही है कि एक कंजूस कैसे बदल गई, है ना? नहीं आई, मैंने कभी आपके बारे में ऐसा ना सोचा ना कभी सोच सकती हूँ। किस मिट्टी की बनी है तू? ये कैसे संस्कार दिए हैं तेरे माता पिता ने? मैंने इतनी खरी खोटी तुझे सुनाई, क्या कुछ नहीं कहा, फिर भी तेरे दिल में मेरे प्रति लेश मात्र भी गुस्सा नहीं आई। रोइए मत, इससे अच्छी तो आप मुझे डांटते हुए लगती थी। ओ कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे यही फल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओ साई ओ, मुझे चिमटी काटो, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। मुझे तुम्हारी चिंता होती है जीवा। साई, मुझे जीवन का लक्ष्य मिल चुका है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। जीवन का लक्ष्य और उस तक पहुंचने का रास्ता कभी भी घृणा से निर्धारित नहीं किया जा सकता जीवा, क्योंकि जब हम घृणा को अपनी शक्ति बना लेते हैं तो हमारी सोचने देखने की शक्ति कमजोर हो जाती है। सही और गलत में फर्क नजर नहीं आता हमें, अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाते हम, और हम उन्हीं की तरह हो जाते हैं जिनसे हम खुद घृणा करते हैं। हर इंसान में अच्छाई खोज पाना, उनसे प्रेम करना, ये आपके लिए संभव हो सकता है साई, क्योंकि आप भले हैं। लेकिन ये दुनिया वैसी नहीं है, ये सिर्फ भलाई से नहीं चल सकती। यहाँ जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। टंटिया भील से मिलने के बाद मुझे पता चला कि जो ताकतवर है उनका जुल्म सहना ही एकमात्र विकल्प नहीं है हमारे पास, हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तभी समाज में अमीर और गरीबी की बराबरी संभव होगी। और ये कैसे पता करोगे कि अमीर के पास जो कुछ भी है उसमें गरीब से छीना हुआ कितना है और अमीर की मेहनत का कितना? क्या अमीरों ने कभी सोचा होगा कि जो वो हमसे छीनते आ रहे हैं वो हमारे मेहनत की कमाई थी? जो खुद न्याय की धज्जिया उड़ाते हैं, हमें उनके साथ न्याय न्याय की चिंता क्यों हो? गरीब का दुख अमीर से लूटी दौलत से दूर नहीं होगा जीवा,
अगर उन्हें सुखी करना चाहते हो तो उन्हें सशक्त करो, उन्हें सक्षम बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, साक्षरता से, शिक्षा से, ताकि वो अपने अच्छे बुरे में फर्क कर सकें। अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ सकें, वो ये समझ सकें कि उन्हें किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। आज तुम हो तो उनकी लड़ाई लड़ लोगे, लेकिन कल जब तुम नहीं होगे तब एक बार फिर उन्हें किसी जीवा, किसी टंटिया भील का इंतजार करना होगा। हिंसा का कोई अंत नहीं है और अहिंसा हिंसा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। साई, मैंने आपसे कहा ना, आप बहुत भोले और भले हैं। इससे पहले मुझे कोई देख ले, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। साई, बाद में मिलता हूँ। मैं जानता हूँ जीवा कि तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत श्रद्धा है। काश थोड़ी सी सबरी भी होती। इनका गुस्सा तो अब तक शांत नहीं हुआ है, पर आखिर इनके गुस्से की वजह क्या है? बाहर लठाए ताए हुए हैं। पंता जी कह रहे थे कि सरकार ने उन्हें बुलाया है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है? कब? वही नहीं, ये साड़ी कैसी लगेगी मेरी यमुना पर? बहुत ही सुंदर लगेगी, बहुत प्यारी है। आओ। देखिए ना, साईं की कृपा से हमारी यमुना का रिश्ता बिना दहेज के तय हो गया, और अब इन लोगों की मदद से मुझे शादी की भी कोई फिक्र नहीं रही। सारा काम इन्होंने आपस में बांट लिया। मैंने कहा ना, यमुना हम सबकी बेटी है। आप सबका बहुत आभार। अच्छा सुनो, दामाद जी ने संदेश भेजा है कि वो शिरडी आ रहे हैं किसी काम से, आज रात यहीं रुकेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज शरद पूर्णिमा है तो रात को हम सब जाएंगे द्वारका माई कीर्तन के लिए, तो दामाद जी भी उसमें शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सुनो, मैं बाजार जाके आता हूँ। जीजा जी की आने की बात सुनकर आपके चेहरे पे कैसे इंद्रधनुष खिल गया है। चुप कर तू, कुछ भी बोलती रहती है। अब वैसे भी मुझे रसोई में बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। केशव जी। पिताजी, आज से तो विद्यालय नहीं जाएगा। अंदर जा। लेकिन क्यों पिताजी? प्रश्न पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं है केशव। जब मैंने कहा है नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा।
समझा दे इसे, आज से ये घर के बाहर कदम नहीं रखेगा। ये मेरा आदेश है। हरि ओम। यमुना चली जाएगी ये सोचकर रो रही हो ना? कुछ दिनों में यमुना की विदाई हो जाएगी, बाकी दो बेटियां भी विवाह करके अपने ससुराल चली जाएंगी। ये घर सुना हो जाएगा, हम अकेले हो जाएंगे। अगर एक बेटा होता तो नहीं नहीं भाई साहब, कब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बेटियों से प्यार नहीं करती। खंडोबा की कृपा से आपको बेटा है, आप मेरी चिंताएं नहीं समझ पाएंगे। बुढ़ापे में कौन होगा हमारे साथ, कौन बनेगा हमारा सहारा? जिस समय मुझे अपनी बेटियों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो मेरे पास नहीं होंगे। यमुना, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। बाहर इतने सारे लठैट भी बुलाए हैं, एक बार तो मुझे लगा कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि तुम साईं के पास गए थे। क्या कहा? सुन तो नहीं लिया। तुम्हें सच में पता नहीं है दादा तुम पे गुस्सा क्यों है? मैं बताती हूं केशव बेटा, दादा को पसंद नहीं है तुम्हारा राह चलते बच्चों के साथ ऐसे खेलना। पर बच्चा, इसमें गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं है, गलती तो इसकी है। क्या है ना बेटा, माँ का फर्ज होता है बच्चे को अच्छे बुरे का फर्क समझाना। अगर तुम्हारी माँ अपना फर्ज अच्छे से निभाती तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता मेरे बच्चे। आत्या, मेरी माँ के बारे में ऐसे बात मत कीजिए। इनसे अच्छी माँ किसी की नहीं हो सकती। Oh.
दीदी, आप यहाँ? आपकी शादी होने वाली है ना? आइए आइए, अंदर आइए। आप भी दिया बनाइए हमारे साथ। बैठिए बैठिए। यमुना, कुछ पूछना चाहती हो? हाँ साईं। साईं, क्या इस समाज में, इस संसार में बेटियों का कोई मूल्य नहीं? मूल्य है, बिल्कुल है, लेकिन बेटियां बंद कहीं हैं। समाज के बनाए नियमों में, उनके दायरों में उन्होंने बांध लिया है खुद को। बांध लिया है? कैसे साईं? समाज के बनाए नियम इन दायरों को अपनी किस्मत मानकर, खुद को बराबर न मानकर, लेकिन कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री ये नहीं चाहती है साई। यमुना, इस समाज की ये रीति रही है कि यहां अपने अधिकार सिर्फ चाहने से कभी नहीं मिलते, संघर्ष करना पड़ता है खुद को स्थापित करने के लिए, और समाज ने तो हर बदलाव का विरोध किया है, लेकिन जिसने हार नहीं मानी वो बदलाव जरूर लाया है। जिस दिन बेटियां इन बंधनों, दायरों की इन बेड़ियों को तोड़कर अपने लिए एक नई परिभाषा रचेंगी, उस दिन माता पिता सब ये स्वीकार कर लेंगे कि उनके लिए बेटा हो या बेटी, सब बराबर है। साई, तो क्या उससे पहले माता पिता के लिए ये जरूरी नहीं कि वो अपनी बेटियों को बराबर का अधिकार दे? अगर वही पक्षपात नहीं करेंगे तो बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं करेगा। माता पिता भी तो समाज के उन्हीं नियमों के दायरे में पले बड़े हैं। अगर तुम ये आशा लेकर बैठी रहोगी कि माता पिता कोई बदलाव लाएंगे तो कभी कुछ नहीं बदलेगा। आज तुम बेटी हो, तुम परिवर्तन की शुरुआत करो ताकि आने वाले समय में तुम्हारी बेटी को इन प्रश्नों के उत्तर न ढूंढने पड़े, ताकि उसे ये कभी ना लगे कि वो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख सकती, क्योंकि वो एक बेटी है। उसे तो एक दिन विवाह होकर अपने पति के घर चले जाना है। उसको ये ना लगे कि उसे तो केवल अपने पति का घर संभालना है। तुम उदाहरण बनो इस बात का कि विवाह के बाद भी बेटी बेटी ही होती है। अपने घर, अपने परिवार पर उसका पूरा अधिकार है और जिम्मेदारी भी। भविष्य के लिए नींव तो आज ही रखनी होगी, और जिसे परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन की उस धारा का स्रोत भी उसे ही बनना होगा। जय
वजह से मैं बदल रही हूँ अपने आप को, अच्युत होकर भी पढ़ाई कर रही हूँ, है ना साई? हाँ लक्ष्मी, तुम तो सबके लिए एक उदाहरण हो। साई, आपने मेरी बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी। मैं जब भी आई बाबा के आंखों में आंसू देखती थी, मुझे मेरे विवाह की खुशी से ग्लानी होने लगती थी, स्वार्थी समझने लगी थी मैं अपने आप को। पर आज आपने मुझे सही मार्ग दिखा दिया। आज इतने सारे पकवान? आई ने बनाया है सब कोजागिरी के लिए। मिठाई भी बना रही है जो कीर्तन में लेकर आएंगी। जानते हो साई, आई ने सब कुछ मेरी पसंद का बनाया है। धैर्य से किसी पर विजय पाने का सबसे अच्छा उदाहरण है आज जी। किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो? हाँ बायजमा, है कोई जो अपने सही मार्ग से भटक गया है। खिलौना बेचने आया हूँ मैं। बेच रहा है तो बाहर जाके बेचो, कुलकर्णी सरकार का घर है ये, यहाँ कोई खिलौने नहीं खरीदेगा। गरीब आदमी हो साहब, खिलौने ले लो ना। तो हम क्या करें, बेचना है तो बाहर बेचो जाके। ऐसा क्यों करेगा जिससे उसको ही नुकसान पहुंचे? क्योंकि उसके नए मार्गदर्शक बन गए हैं बायजमा, जिनकी समाज के बारे में अपनी अपनी धारणाएं हैं। उनके विचार गलत नहीं है, लेकिन उन विचारों को प्राप्त करने का जो मार्ग वो अपनाना चाहते हैं वो सही नहीं है। उस मार्ग पे चल के ना कभी कुछ बदला है और ना ही बदलेगा। तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जीवा के मन में तुम्हारे लिए बहुत श्रद्धा है, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। नहीं बायजामा, इस समय जीवा जिस विचारधारा से प्रभावित है, जब तक वो उसका परीक्षण ना कर ले, उसका प्रयोग ना कर ले, तब तक वो किसी की बात नहीं सुनेगा। फिर कैसे समझाओगे उसे? उसे सही मार्ग का विकल्प देकर। और अगर उसने वो विकल्प स्वीकारा नहीं तो?
जो हमारे अपने होते हैं हम उन्हें सिर्फ सही दिशा दिखा सकते हैं। उस दिशा में जाने या ना जाने का निर्णय उनका ही होना चाहिए। हमें सिर्फ धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए उनके सत्य तक पहुंचने का। रख ले, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। इस किसान के खेत नष्ट किए जाए आग लगा के। सभी लोगों का बदला लूंगा जो अमीरों द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं। चला जाए और तुम लोग सोते रहो। त्योहार के कारण बहुत भीड़ थी सरकार। कहां से उठा के लाए हो इन्हें? गधे हो सबके सब। जब किसी पेड़ पर बिजली गिरती है तो उसकी पत्तियां, शाखाएं, सब कुछ जल जाता है। सब जला हुआ पेड़ तो देखते हैं लेकिन उनके मन में यह ख्याल नहीं आता कि इस पेड़ की जली हुई शाखाओं में कुछ घोंसले भी थे। जीजा जी आ गए।
खुश रहो। जीजा जी आ गए। अंदर आइए। मैं यहां एक गोपनीय काम के लिए आया हूं, किसी को बताइएगा नहीं। आस पड़ोस के गांव से जो कर वसूल किया गया है उसे आज संदूक में बंद कर यहां लाया जाएगा और आज रात कुलकर्णी सरकार के घर पर रखा जाएगा और कल उसे अंग्रेज सरकार को सौंप दिया जाएगा और उस संदूक की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए रात भर मैं उसी के पास पहरा दूंगा। तो आज रात आप यहां नहीं रुकेंगे? मेरे वरिष्ठ अधिकारी मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं और आपको तो पता चल ही गया होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी तरक्की हुई है और उस नाम को मैं खराब नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अभी मिलने चला आया। क्योंकि एक बार वो संदूक कुलकर्णी सरकार के घर पहुंचा उसके बाद मैं एक क्षण भी वहां से हट नहीं पाऊंगा। दामाद जी, हम जानते हैं कि आपकी व्यस्तता क्या है, लेकिन हमारा आपसे केवल एक ही निवेदन है। आज कोजागिरी के दिन आप हमारे साथ चलकर एक बार साईं से जरूर मिल लें। बताता हूं। आज रात माता लक्ष्मी की पूजा होती है। लोगों का मानना है कि आज सारी रात चंद्रमा से अमृत बरसता है, घरों में खीर बनाई जाती है, लोग दिए जलाते हैं और चंद्रमा की पूजा करके जो खीर हमने बनाई होती है उसे हम चांदनी में रख देते हैं। लोग मानते हैं कि इस तरह वो चांद से बरसते अमृत को इकट्ठा कर लेते हैं। काश मुझे भी खीर मिलती।
मुझे खीर चाहिए। जानती है आज रात लोग सोते नहीं, उनका मानना है कि जो लोग जागते हैं माता लक्ष्मी उनके घर जरूर आती है, इसीलिए वो लोग रात भर कीर्तन करते हैं और वहां कीर्तन में तुझे खीर जरूर मिलेगी। सच? पर साई तुम क्यों भूल रहे हो कि कीर्तन में मुझे कोई नहीं आने देगा। आज रात द्वारका माई में जो कीर्तन है, ना तो तुझे वहां आने से कोई रोक सकता है और ना खूब सारी खीर खाने से। प्रणाम साईं। प्रणाम। कैसे हो विष्णु? अच्छा हूं। और तुम्हारे माता पिता? ठीक है। आज रात कीर्तन के लिए तो रुकोगे ना? कल बहुत जरूरी काम है, रात जगकर नहीं बिता सकता। काम का बहुत भार भी है और वैसे भी पूजा पाठ के लिए समय ही कहाँ है। साईं, ये रिश्ता आपके आशीर्वाद से तय हुआ है और इसीलिए ये पहला न्योता आपके लिए। निकलना होगा, देर हो रही है। दामाद जी, कार्य में कोई विलंब नहीं होना चाहिए, आप चलिए। विष्णु, कर्तव्य को निभाने के लिए कर्म करना ही पड़ता है और जब कर्म बिना किसी इच्छा के किया जाए तो वही कर्म पूजा बन जाता है। अच्छा साईं, प्रणाम। अल्लाह मालिक। साईं, मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। हाँ हाँ, वैसे भी कीर्तन का समय हो ही रहा है, लोग आते ही होंगे। धन्यवाद, यहाँ से अब मैं संभाल लूंगा। चिंता ना कर विष्णु, आज रात मैं यही सो जाऊंगा, कुछ नहीं होगा इसे। ठीक है। हरिओम। अंग्रेजों का नौकर, इसने संदूक कहां रखा होगा?
भी लठैत रख ले, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। हरिओम जीवा। मुझे पहले जैसा जीवा मत समझना कुलकर्णी, मैं तेरा काल बनकर आया हूं। तो वो तू था मुझे धमकियां भेजने वाला? हाँ, तूने मुझे पकड़ के मेरा काम आसान कर दिया। क्या तेरे लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूँ जीवा। बोल किसके साथ है, सिपाही या टंटिया बिल? क्योंकि इतना बड़ा दुस्साहस तू अकेले नहीं कर सकता। लेकिन तूने बहुत बड़ी भूल कर दी है, तेरा लोभ ही आखिर तुझे ले डूबेगा ना। लोभ की बात तेरे मुंह से शोभा नहीं देती कुलकर्णी। क्योंकि लोभ के कारण तूने अंग्रेजों का साथ दिया और अपने लोगों को लूटा, और मैं यहाँ आया हूँ इसे लूटने, ताकि इसे दोबारा गरीबों में बांट सक। अच्छा सरकार की पुलिस यहाँ क्या कर रही है? ऐसा क्या हो गया? क्या आप जानती नहीं है द्वारका मई है और यहाँ कीर्तन चल रहा है, और यहाँ के गोली चलाने का क्या मतलब है? ये मेरे होने वाले दामाद हैं, इनका यमुना के साथ विवाह तय हुआ है, और मैं ये बात जानता हूँ कि ये कुछ भी अकारण नहीं करेंगे। कीर्तन के बीच में आकर गोली चलाकर तुम्हें कीर्तन रोकना पड़ा तो जरूर कोई वजह होगी। बताओ विष्णु क्या बात है? आपने कहा था ना कि अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए कर्म ही पूजा है, मैं वही कर रहा हूं। मैं यहां एक चोर को ढूंढते हुए आया। हमने तो कोई चोर आते नहीं देखा, और यहाँ तो सभी अपने लोग हैं। चोर अपनों में से भी हो सकता है। देखिए, अगर यहाँ चोर आया हुआ है और छिपा हुआ है तो उसे पकड़ने में हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। पर ये तो बताइए कि चोर का नाम क्या है और
उसने चुराया क्या है? सरकारी खजाना जो मेरे संरक्षण में था। और उसे चुराने वाले का नाम है जीवा। जीवा? असंभव, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। और जीवा तो यहाँ आया ही नहीं है। आपको पूरा विश्वास है कि वो जीवा ही था? हाँ, मैंने उसे खुद यहाँ आते हुए देखा है। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ आते हुए उसे किसी ने ना देखा हो। अब मुझे कोई बताएगा कि वो कहाँ छुपा है? द्वारका माई में कुछ भी छुपा नहीं है विष्णु। अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो यहीं कहीं है तो तुम ढूंढ सकते हो। मैंने कहा था ना, ये देखो। ये जीवा नहीं है। ये रहा जीवा। कभी अधूरा नहीं होता, और सत्य अधूरा हो तो वो सत्य नहीं होता। सत्य तो संपूर्ण है, और संपूर्ण सत्य को समझने के लिए तुम्हें अपने पूर्वाग्रह का त्याग करना होगा। मैं यहाँ आपका प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। मैं अपना काम, अपनी जिम्मेदारी और अपने अधिकार अच्छी तरह से जानता हूँ। इस माया जाल में आप मुझे उलझाकर मेरे कर्तव्य निर्वाह पर बाधा बन रहे हैं आप। बाधा मैं नहीं बन रहा विष्णु, बाधा बन रहा है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा पूर्वाग्रह, और यही तुम्हें सत्य तक पहुंचने नहीं दे रहा है। जिस पल तुम अपने अहंकार, अपने पूर्वाग्रह का त्याग कर दोगे, अपने कर्तव्य निर्वाह की शपथ को पूरा कर लोगे। मुझ पर विश्वास करकर इस सरकारी कोष की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चूंकि अब चोरी हो चुका है, वो भी मेरी आंखों के सामने, मैं उसे पकड़ चुका होता। अगर वो कीर्तन में जाकर नहीं छुपा होता, पता नहीं क्या हुआ था। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है।
अरियो, दोष तुम्हारा नहीं है विष्णु, वो है ही ऐसा। इससे पहले बहुत लोगों को भ्रमित कर चुका है वो अपने माया जाल से, लेकिन वैसे तो बड़ा फकीर बना फिरता है। मैंने तो सुना है यहां आने से पहले वो झांसी में था सैनिक बनके अंग्रेजों का विरोधी। हरिओम। वो जीवा जब भाग रहा था उसके हाथ में कुछ नहीं था, अगर संदूक होता तो मुझे दिख जाता। इसका मतलब यह है कि वो संदूक यही है। नहीं नहीं नहीं, मैं सभी जगह देख चुका हूं, कुछ नहीं है। मुझे लगता है उसके साथ कोई और था, उसका साथी। मतलब जीवा ने तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ किया और वो साथी संदूक लेके भाग गया। अंग्रेज सरकार को पता चला तो मेरी नौकरी छिन जाएगी, और पता नहीं मुझे क्या सजा देंगे। जीवा को शरण देकर साई ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। अब साई का पतन निश्चित है, लेकिन मुझे इसमें विष्णु की सहायता चाहिए होगी। इसे अपने पक्ष में बना के रखना होगा मुझे। हरिओम। विष्णु, तुम चिंता मत करो, इस संकट में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अंग्रेज अधिकारियों से जान पहचान है मेरी, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। हरिओम। विष्णु का उतना दोष नहीं है, वो तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। लेकिन मुझे चिंता तो मालसापति जी की हो रही है। कल जब विष्णु ने गोली चलाई या तुमसे अच्छे से बात नहीं की तो मालसापति जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बाजामो, मालसापति जी समझदार हैं, ज्ञानी हैं वो, और जहां तक विष्णु की बात है उसके सीखने समझने के लिए अभी बहुत कुछ है। वो अभी अपना मार्ग ढूंढ रहा है। दाता ने ऐसी ही व्यवस्था बनाई है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ ही मनुष्य की सूझबूझ भी बढ़ती है। ज्ञान केवल पुस्तक में लिखी बातों को पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है उन पुस्तकों में लिखी बातों का अपने जीवन में पालन करने से, जीवन के अनुभवों से, और ये बहुत धैर्य का काम है। कल ये जो कुछ हुआ, कहीं उसे यमुना के विवाह में किसी तरह की कोई बाधा तो? अगर नियति में विवाह लिखा है तो नियति हर बाधा को दूर कर देगी। इसे भी अंत में सुखी दाम्पत्य के लिए सभी को सही मार्ग ढूंढना ही पड़ता है, और इस मार्ग पर चलते रहने का संतुलन भी, निरंतर परिश्रम, प्रयास और पारस्परिकता ही सुखी दाम्पत्य का मंत्र है, और श्रद्धा और सबूरी उसकी शक्ति। दामाद जी, आप अंदर जाइए, मैं यही प्रतीक्षा करता हूं। और आप चिंता मत कीजिएगा, साईं कृपा से सब अच्छा ही होगा। तुमको ट्रेजर को गार्ड करने के लिए भेजा था।
और तुम सो रहा था। मुझसे गलती हो गई सर। नहीं सरकार, विष्णु, इसमें विष्णु की कोई गलती नहीं है। हाँ, विष्णु की नहीं, तुम दोनों की है। मिस्टर कोलकाने, I believe ये चोरी आपके घर से हुए, आपके रहते हुए। अगर आपसे नहीं संभाल रहा है, तो we will appoint a new administrator, Naya Mukhya. नहीं सरकार, ऐसा मत कहिए। इससे पहले ऐसा कभी अवसर दिया है मैंने आपको? नहीं, ये पहली बार हुआ है। हर बार अपनी निष्ठा का परिचय दिया है आपको, आपके हर आदेश का पालन किया है मैंने। पंद्रह दिन देता हूं, चोर और खजाना दोनों का पता लगाओ। इसकी पनिशमेंट तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है, नौकरी खो जाएगी। क्योंकि कोर्ट में यही प्रूफ होगा कि तुम उन रेबल्स के साथ मिले हुए हो। यू विल बी कॉल्ड अ ट्रेटर। खत्ता, नहीं सरकार, आप मेरा विश्वास करिए, विष्णु निर्दोष है और वो उन विद्रोहियों के साथ भी नहीं है, ये मैं अपने खून से लिख के दे सकता हूं। मैं विष्णु की हर संभव सहायता करूंगा सरकार। 15 दिन से पहले हम राजकोष और उस विद्रोही को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो पूरी शिरडी उतना धन आपको लौटाएगी जितना धन उस संदूक में था। हां सरकार,